रितु खंडूरी ने शहीदों को नमन किया है, शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने नमन किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर दरअसल रितु खंडूरी हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है, शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने नमन किया है शहीदों को, उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार रिपीट कर रही है और देवभूमि में ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधानसभा की स्पीकर कोई महिला बनी हो, तो रितु खंडूरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहीदों को उन्होंने नमन किया है, शहीद स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने शहीदों को नमन किया, उत्तराखंड के आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो रहा था तो उससे पहले उसमें जो योगदान दिया उन तमाम शहीदों ने, उसको लेकर भी उन्होंने शहीदों को नमन दिया है, उनको श्रद्धांजलि वहां पर देती वो नजर आई है। उत्तराखंड की पहली स्पीकर बनने के बाद रितु खंडूरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य के आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। तो रितु खंडूरी के स्पीकर बनने को लेकर विधानसभा में पहली बार पहुंचे विधायकों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कपकोट से पहली बार विधानसभा पहुंचे प्रदेश के सबसे युवा विधायक सुरेश जुगरिया का कहना है कि रितु खंडूरी के स्पीकर बनने से महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और प्रदेश में महिलाओं के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। आज उत्तराखंड के इतिहास में हमारी बहन रितु भूषण खंडूरी जी आज हमारी पहली विधानसभा की अध्यक्ष बनी है, तो ऐसे गौरव के पल को उत्तराखंड हमेशा याद करेगा। और इस विधानसभा से मैं आता हूं और भौगोलिक दृष्टि से वो विधानसभा बहुत दुर्गम की विधानसभाएं हैं, और ऐसे विधानसभाओं में दूरस्थ के गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उन लोगों की चिंता और जिन उद्देश्य के साथ उन्होंने हमको इस सदन में भेजा है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि उनके जो मूल भावनाएँ हैं उन मूल भावनाओं में खड़े उतर कर उनका दुख दर्द कम करके उनको सहयोग करके इस उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करने की बात हमने माननीय अध्यक्षा जी से कही।